आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको गिट डाउनलोड करना है एंड इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम पर। तो सबसे पहले तो आपको एक ब्राउजर ओपन कर लेना है। ब्राउजर ओपन करने के बाद सर्च बॉक्स में टाइप करना है गिट। जैसे ही आप गिट सर्च करेंगे आपके सामने फर्स्ट वाली वेबसाइट आएगी, इस पर आपको क्लिक करना है और ये वेबसाइट मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो जस्ट सिंपली आपको जाना है डाउनलोड पर एंड यहाँ पे जाना है आपको विंडोज पर। अब यहाँ पे एक तो है स्टैंड अलोन और एक तो हमें स्टैंड अलोन वाला डाउनलोड करना है। तो जस्ट मेरा सिस्टम 64 बिट का है तो मैं 64 के लिए डाउनलोड करूँगा। अगर आपका सिस्टम 32 का है तो 32 के लिए डाउनलोड करना है और ये कुछ ही सेकंड में डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद सॉफ्टवेयर पर डबल क्लिक करना है। देन यस पे क्लिक करना है। यहाँ पे कुछ इस तरीके का इसका सेटअप का इंटरफेस होगा। तो जस्ट आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो ये जो यहाँ पे लोकेशन है ये इसके डिफॉल्ट लोकेशन होगी, तो जस्ट इसको डिफॉल्ट रहने देना है। देन नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे अगर आप चाहें तो इसको एड ऑन डेस्कटॉप कर सकते हैं। देन नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे इसको जस्ट सिमिलर यहाँ पे भी इसको डिफॉल्ट रहने देना है। देन नेक्स्ट पे क्लिक करना है। देन नेक्स्ट सभी को डिफॉल्ट रहने देना है और आपको जस्ट नेक्स्ट करना है। देन यहाँ पे इंस्टॉलेशन प्रोसेस चालू हो चुका है तो जस्ट वेट करना है। यहाँ पे देन फिनिश पे क्लिक करना है और यहाँ पे ये ब्राउजर के लिए बोलेगा। एंड एज यू कैन सी हमारा जो सॉफ्टवेयर है ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। तो इस तरीके से आप बड़ी आसानी से गिट को डाउनलोड कर सकते हैं एंड इंस्टॉल कर सकते हैं।